आपका वेलकम करते हैं दोस्तों हमारे इस RPR एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार की नई भर्ती के तहत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी अन्य पदों पर जो वैकेंसीज निकाला गया था BSEB के तहत, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसीज निकाला गया था उसकी एडमिट कार्ड अभी जो आप लोग का जारी कर दिया गया है, लिंक भी जारी कर दिया गया है। तो किस प्रकार से आप लोग जहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे ऑफिशियल वेबसाइट पे देख पाएंगे आप लोग biharboardonline.bihargov.in, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आप लोग एडमिट कार्ड और फिर नोटिस डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, देख पाएंगे आप लोग यहाँ पे 11/12/2019 को एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में आप लोग को जानकारी दिया गया है कि एडमिट कार्ड कब से कब डाउनलोड होंगे और आप लोग का टाइपिंग टेस्ट कब से कब लिया जाएगा, ठीक है। ये नोटिस की जो हमने वीडियो बना दी है वो वीडियो अगर आप लोग को देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को। इस वीडियो में बात करेंगे जो एडमिट कार्ड अभी आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग जब इस वाले वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा ऊपर में, जहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ आएगा। चलिए यहाँ पर नेट ओपन कर लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। तो जैसे आप लोग जो है यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएंगे तो स्क्रॉल करके आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे रनिंग करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे दूसरे नंबर पे जो है क्लिक हेयर फॉर द डाउनलोड एडमिट कार्ड रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट ऑफ, देख पाएंगे इसमें आप लोग को क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार पेज ओपन होकर आएगी, ठीक है। फिर आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो नोटिस है यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना होगा इस जगह, ठीक है, क्लिक है टू व्यू एंड प्रिंट एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार पेज आएंगे, ठीक है। पेज आने के बाद आप लोग अपना जो है एप्लीकेशन नंबर जो है वो डाल देंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, ठीक है, डेट मंथ और ईयर, उसके बाद सर्च कर लेंगे। तो चलिए हमने कर देते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं आगे। तो चलिए देख पाएंगे हमने जो यहाँ पर हाइड कर दिए, ठीक है, हमने डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर डाल दिए। अब यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है, तो चलिए सर्च कर लेते हैं। तो जैसे सर्च किया आप लोग देख पाएंगे एडमिट कार्ड यहाँ पर आ चुकी है, जो कि ये जो एडमिट कार्ड है देवानंद जी का है। आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, देवानंद जी जो कि उन्होंने हमें ये जो एडमिट कार्ड सेंड किया उसके बाद हमने उनका ही जो है एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे आप लोग को बताए, ठीक है। तो सबसे पहले देवानंद जी को दिल से थैंक्स, देख पाएंगे उनका जो है ये फोटोज़ है। तो अब आप लोग को बताना चाहूँगा डाउनलोड कहाँ से करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग प्रिंट का एक ऑप्शन है इस जगह, तो प्रिंट पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आप लोग के सामने प्रिंटेड होके अपनी मोबाइल पे आ जाएंगे। फिर आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे PDF पे क्लिक करना होगा। PDF पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आप लोग का जो है फाइल पे ऑटोमेटिक आप लोग सेव कर देंगे, तो यहाँ पे सेव होकर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी आप लोग एडमिट कार्ड जैसे डाउनलोड करेंगे आप लोग को एडमिट कार्ड में हर एक चीज़ का जानकारी दिया गया है, तो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किनका किनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है, किनका इनका नहीं हुआ है। जिनका होगी जिनका हो जाएगा बहुत बढ़िया, जिनका नहीं होगा वो हमें जो है अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है हमारे ईमेल आईडी पे जो है हमें सेंड जरूर कर दीजिएगा। ईमेल आईडी आप लोग को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे मिल जाएंगे। तो आप लोग हमें जो अपना आईडी और जो है डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दीजिएगा ताकि आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे सके। तो वीडियो किस प्रकार से लगे लाइक करके ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी तरह आगे भी और भी अपडेट पाने के लिए। तो मिलेंगे बहुत जल्द और एक वीडियो में और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।